न्यूज 11 के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ है राजदा हुसैन। देश दुनिया में आज झारखंड किसी पहचान के मोहताज नहीं है। खेल हो चाहे ग्लैमर वर्ल्ड, झारखंड ने देश दुनिया में अपनी खुशबू बिखेरी है और इस फहरिस्त में इस बार दो नाम और जुड़ गए हैं, झारखंड ब्यूटी दीवा समर्पणा और मधुलिका। दोनों एक बार फिर दुनिया में झारखंड की माटी की खुशबू बिखेरने को तैयार है। तो झारखंड की माटी की खुशबू देश दुनिया के कोने कोने में फैल रही है और इस खुशबू को एक बार फिर तरोताजा करने झारखंडी ब्यूटी दीवा समर्पणा सिंह, जिन्हें मिस इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड वाइड चुना गया है, वो आगे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं ब्यूटी दीवा मधुलिका, जिन्हें मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप चुना गया है, वो दुनिया में एक बार फिर भारत का झंडा बुलंद करने देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। रिपोर्ट देखें। झारखंड एक बार फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपनी धाक जमा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि झारखंड की लड़कियां कई नेशनल और इंटरनेशनल ब्यूटी प्रेजेंस में चुनी गई हैं और अपनी खूबसूरती और अपनी टैलेंट के बल पर विजेता भी हुई। समर्पणा सिंह को मिस इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड वाइड चुना गया और अब यह भारत को इस कॉन्टेस्ट में प्रतिनिधित्व करेंगी। समर्पणा सिंह रांची झारखंड की हैं और झारखंड जैसे पर्यटन प्रदेश में रहने पर गर्व करती हैं। इसके अलावा मधुलिका को मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप चुना गया है और अब यह आगे के दौर में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में झारखंड का इतिहास नया नहीं है। प्रियंका चोपड़ा और तनुश्री दत्ता जमशेदपुर की हैं और उन्होंने खूबसूरती से देश ही नहीं दुनिया को साबित कर दिया कि माटी का जलवा हमेशा से ही है। हाजीपुर की स्टेफी पटेल ने भी खिताब जीतकर अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया। वहीं तनु सिंह राजपूत ने भी अपनी खूबसूरती का जलवा छोड़ा है। आने वाले दिन में झारखंड की लड़कियां अब ग्लैमर की दुनिया में ज्यादा खुलकर सामने आ रही हैं और कहा जा सकता है कि पर्दे में रहने वाला झारखंड अब खूबसूरत दिखने लगा है और यहाँ माटी का जलवा धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है। तो ये है माटी का जलवा, जो अपने झारखंड की जो ब्यूटीज है वो अब पूरे देश दुनिया में अपना परचम लहरा रही हैं। और ऐसी ही तीन खूबसूरत लेडीज इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं और सबसे पहले जसप्रीत कौर से मिलते हैं, जो कि मिसेज इंडियन पावरफुल की डायरेक्टर है। बहुत बहुत स्वागत है जसप्रीत आपका। और साथ ही मधुलिका हमारे साथ हैं, जो कि फर्स्ट रनर अप है मिसेज इंडियन पावरफुल की। मधुलिका स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। और समर्पणा सिंह हमारे साथ हैं, जो कि मिस टूरिज्म वर्ल्ड वाइड अब रिप्रेजेंट करने वाली हैं क्योंकि मिस एशिया पैसिफिक आप रह चुकी हैं। आपका भी स्वागत है समर्पणा। सबसे पहले जसप्रीत आपसे जानना चाहेंगे, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लड़कियों को जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल होती हैं उन्हें उस मुकाम तक पहुँचाती हैं जहाँ वो जाना चाहती हैं, ज़रा कुछ बताएं उसके बारे में। जी सबसे पहले जय जोहार सबको। और मैं खुद ही झारखंड की बेटी हूँ, मैं जमशेदपुर में पली बड़ी हूँ और 2014 में मैंने अपना भी सफ़र शुरू किया पैजेंट से और फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद मुझे इस प्लेटफॉर्म में आना चाहिए क्योंकि मुझे ग्रूमिंग और ये सारी चीज़ों का शौक़ था। और जैसे ही मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मुझे कॉल आई और वो उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं आपको मिसेज इंडिया आई एम पावरफुल और मिस्टर एंड मिस का पैजेंट करवाने के लिए, तो मेरे एस्टोफाइन आरटी एजुकेशन जो मेरी मेन कंपनी है उससे हमने दो पैजेंट्स निकाले, दैट इज़ मिसेज इंडिया आई एम पावरफुल, जिनकी विनर हमारी मधुलिका जी हैं, और जो हमारा मिस और मिस्टर का इंडिया चार्मिंग फेस होता है उसमें से हमारी जो बची है उस वो अब जाएगी मिस इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड वाइड में, सॉरी मिस टूरिज्म वर्ल्ड वाइड में। चलिए तो अब मधुलिका से ज़रा बात कर लेते हैं। मिसेस इंडिया एंड एम्पावरमेंट एम्पावरफुल के लिए आपको जो खिताब मिला है, क्या मतलब क्या सोचा था आपने कि इस तरीके के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल होना है, कुछ और ख्वाब थे?
मुझे शुरू से बहुत शौक़ था ग्लैमर फैशन का, बहुत शौक था। मैंने यहाँ पे भी एक दो रांची में भी मैंने किए थे, मॉडलिंग मैं की थी। मुझे लास्ट ईयर में मुलाकात हुई मेरी मैम से, तो इन्होंने मुझे बोला कि आप आओ नेशनल में, आओ नेशनल में रिप्रेजेंट। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे ये मौका मिला है कि नेशनल में जाकर झारखंड को रिप्रेजेंट करने का। तो मैं गई वहाँ पर और मैं वहाँ से जीत कर आई, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया, अपने झारखंड को, और मैंने वहाँ पर झारखंड का नाम रोशन किया। और अब चाहूँगी मैं कि मैं इंटरनेशनल भी जाऊँ, उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, चल रही है हमारी तैयारी। तो आगे की तो यही उम्मीद है कि मैं इंटरनेशनल जाकर अपने भारत को रिप्रेजेंट करूं। और बहुत गर्व होगा मुझे कि एक मिसेज होकर घर से निकलकर और जाकर इस लाइन में आकर आप सक्सेस होते हो, तो बहुत खुशी हो रही है, फैमिली भी बहुत खुश है। बिल्कुल, इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे क्योंकि अब गृहणियां जो है, वो जो मिसेज है, अब ब्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि वो घर गृहस्थी से निकल के अपने ऊपर भी कुछ सोच रही है। समर्पणा, आपके बारे में जरा, आप अपने बारे में जरा कुछ बताएं कि कैसे इस सफर की शुरुआत हुई। सबसे पहले नमस्ते सभी को, मेरा नाम समर्पणा सिंह है और मैं मिस इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड वाइड बन चुकी हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जसप्रीत मैम को, जो नेशनल डायरेक्टर हैं एस्टी फाइन आर्टी एजुकेशन की, जिन्होंने मुझे ग्रूम किया है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने देश को बाहर जाके रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं वहाँ नए लोगों से मिलूँगी और वहाँ पे नया कल्चर भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ मैं अपने देश का नाम रोशन कर पाऊँगी। और ये काफ़ी गर्व की बात होती है कि इतने छोटे से शहर से झारखंड रांची, वहाँ से मैं बाहर निकल पा रही हूँ। और मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी जो नए मॉडल्स हैं जो आना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं एस्टी फाइन आर्टी एजुकेशन से। और जसप्रीत मैम बहुत अच्छे से प्यार से रखती हैं सबको और बहुत अच्छे से सिखाती हैं। तो सिर्फ मैं नहीं, मैं आप सब में से जो भी मॉडल्स बनना चाहते हैं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो भी हमसे जुड़िए और आगे बढ़िए। बिल्कुल जसप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे, एक मेंटोर की जरूरत हर किसी को होती है, एक गाइडलाइन मिलना बेहद जरूरी है। आप वो काम कर रही है, हीरा को जब तक तराशा नहीं जाए उसकी कीमत नहीं होती है, वो काम आप कर रही हैं। जी, एक तो होता है कि आप नेशनल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी इतनी सारी चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन जब हम एज अ ऑर्गेनाइज़र और हम एज अ डायरेक्टर जब आपको आगे भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा टेंशन हमें होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, हमें उसका प्रतिनिधित्व करना है, और उसके वजह से हमारे ऊपर इतनी प्रेशर आ जाती है कि हमें हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हमें बच्चे के ऊपर तराशना होता है कि जैसे उसका वॉक, उसका लाइजा, उसके बोलने का तरीका, उसके बैकग्राउंड्स, उसके वीडियोज़, यहाँ तक कि टैलेंट राउंड के लिए भी खुद अपने से इनिशिएटिव लेके कि हम क्या टैलेंट राउंड। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो जब इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपको भारतीय कपड़े पहनने, नेशनल ड्रेस बोलते हैं जिसे, नेशनल ड्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि आप इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल ड्रेस के थ्रू। तो ये छोटी छोटी बातें जिसे हमें फिर ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो एक टीम वर्क होता है कि एक बच्चे को भेजने तक, इंटरनेशनल भेजने तक आप उसको किस तरह तराश रहे हैं, और वो पूरा एक मटेरियल कि भाई वहाँ जाके वो आइडल बन के आए और हमारे इंडिया का नाम रोशन करें, ये बहुत इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी चैलेंजिंग। बिल्कुल, ये बहुत टफ जॉब है कि किसी को आप तराश रहे हो क्योंकि आप उनमें वो पोटेंशियल देख रहे हो। ये पारखी नज़र बहुत कम लोगों में होती है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप में है और लोगों को तराश रही हैं आप। मधुलिका जी, एक बेटी को आगे बढ़ाने के लोग बहुत सोचते हैं कि, और वो भी अगर ग्लैमरस वर्ल्ड की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं पता नहीं बड़े शहरों में जाएंगे उनके साथ कैसा ट्रीट होगा। जी, जी, एक बहू होकर, आप किसी के घर की बहू है, मिसेस इंडिया एंड पावरफुल के आप रनर अप रह चुकी हैं, कितना मुश्किल रहा? फैमिली सपोर्ट, फैमिली इन लॉज की तरफ से बात करें, एक्चुअली फैमिली सपोर्ट की वजह से ही मैं आज इस जगह पर हूँ। एग्जैक्टली, मैं फैमिली सपोर्ट, मेरे हस्बैंड तो हर किसी के सपोर्ट, मतलब सपोर्टिव रहते हैं या सपोर्ट वाइफ को करते हैं, बट एक फैमिली इन लॉज का सपोर्ट मेरा ना, ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमारे साथ है। हमारी फैमिली, हमारे इन लॉज बहुत ही सपोर्टिव हैं, जिसकी वजह से मैं आज इस जगह पर आई हूँ। उनका सपोर्ट नहीं रहता तो शायद मैं आज इस जगह पर नहीं रहती या इतनी कॉन्फिडेंटली मैं वहाँ पर जाती, अपना जो फोकस दिया मैंने अपने काम पर
वो शायद मैं नहीं कर पाती, इसलिए मैं थैंक्स कहती हूँ अपनी फैमिली को, अपने इन लॉज को, अपनी दोनों फैमिली को, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, अपने हस्बैंड को हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करके, ठीक है आप जाओ, आप वहाँ पर जीत कर आओ, उनकी ये भी इच्छा थी कि नहीं आप जा रहे हो आप जीत कर आओ, हमारा भी नाम रोशन हो और हमारी फैमिली का भी और अपने झारखंड का भी। जाहिर तौर पर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है जब फैमिली सपोर्ट आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली, आप अकेले रहो तो आप उतने कॉन्फिडेंस से, या फिर आप अगर आपके पीछे आपकी फैमिली हो तो आप शायद जग जीत सकते हो। तो मैं सारी मिसेज से यही कहूँगी कि आप इस लाइन में जो भी आना चाहते हो वो अपनी फैमिली सपोर्ट लेकर आप आए तो शायद आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो। बिल्कुल, ये बात मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि जिन्हें लगता है कि उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी और वो कुछ इस तरीके के कदम उठा लेते हैं घर से बिना बताए चले जाते हैं, तो फैमिली सपोर्ट बेहद जरूरी है, आपके जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना वो बढ़ जाएंगे अगर फैमिली सपोर्ट। तो सबसे पहली बात है कि फैमिली का सपोर्ट हासिल किया जाए, उन्हें कॉन्फिडेंस मिल लिया जाए कि वो जो भी कर रहे हैं वो बेस्ट दे सकते हैं अगर उनका सपोर्ट मिलेगा। तो जसप्रीत मैम का साथ आप लोगों को मिला, लकी हैं आप लोग। बिल्कुल, वही मैं बोलने जा रही थी कि एक कंपनी, फैमिली सपोर्ट तो है, एक कंपनी का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है कि कैसी कंपनी है आपकी, वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। तो मैम ने हमें बहुत हर तरह से मैम ने सपोर्ट किया इनकी कंपनी का, तो वो भी एक जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल नेम फेम में लड़कियां, मिस मिसेज या कोई भी हो, वो कहीं भी चले जाते हैं कि वो कंपनी को सर्च नहीं करते कि कंपनी क्या है, जेन्युइन है कि नहीं। तो मैं और सबसे यही कहना चाहूँगी जितने भी इस लाइन में जाना चाहते हो तो आप प्लीज़ ऐसी कंपनी के साथ आप जाओ जो जेन्युइन हो, जो आपको सही जगह पर ले जाए। तो बहुत ऐसी फ्रॉड कंपनीज हैं जो पैसे लूट रहे हैं इस लाइन में। बिल्कुल, तो बस तमाम चीजों से बचने की जरूरत है। जी अगर जी जी बिल्कुल, कंपनीज जो लुभावने सपने दिखाते हैं लोगों को, तो वो इन तमाम चीजों पर पहले से गौर करें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। समर्पणा जी, क्या कभी सोचा था कि ग्लैमरस वर्ल्ड में आना है, क्योंकि आप इतनी सुंदर हो आप तीनों की, क्या बचपन से या फिर स्कूल कॉलेज में दोस्त कहते थे कि बहुत सुंदर है इस फील्ड में तुम्हें जाना चाहिए? हम तो कहेंगे झारखंड का रंग चढ़ा है हम झारखंड का रंग ही ऐसा है, चाहे हम सही है हरियाली की बात करें, हम खिलाड़ियों की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, एक से बढ़कर एक झारखंड की माटी में लोग हैं, तो उन्हीं में से है। तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ था कॉलेज स्कूल में? जी, मैं बचपन से ही काफ़ी एक्टिव थी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और मैं अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करती थी स्किट्स में और जितने भी डिबेट्स होते थे, बट एज सच कभी मॉडलिंग के बारे में सोचा नहीं था। बट आफ्टर कम्प्लीटिंग माई ट्वेल्थ, मेरे एक भैया हैं पंकज गुप्ता, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप एक बार ट्राई तो करो, आप एक बार कोशिश करो, आप क्यों नहीं जीत पाओगे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मिस ऐश्वर्या राय बच्चन जी की। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। बट उसके बाद मुझे ये इतना अच्छा लगा, और ऐश्वर्या राय जी से जो मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ, उनकी पर्सनालिटी मुझे इतनी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा या मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बट एक्चुअल में मुझे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो मैं आगे भी एक्टिंग परस्यू करना चाहूँगी आफ्टर कम्प्लीटिंग ऑल दीज थिंग्स। चलिए, हमारे बेस्ट विशेस आप दोनों के साथ हैं और आप हमारे राज्य का, देश का नाम रोशन करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। जसप्रीत जी, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, झारखंड की माटी ने बहुत कुछ दिया है पूरे वर्ल्ड को, इंटरनेशनल लेवल पर लोग पहचान बना रहे हैं। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो मिस वर्ल्ड या मिसेस वर्ल्ड के लिए, मिस एशिया पैसिफिक के लिए अगर जाना चाहती हैं, कहाँ से उन्हें ग्रूम अप करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ होनी चाहिए उनमें? सबसे पहले तो मैं कहूँगी, अगर ग्रूमिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो घर से ही सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरत है, और अगर घर से सपोर्ट मिलता है तो वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो। सेकेंड, जितनी भी हमारी तैयारी होती है, लाइक हम वॉक, उनके पहनावे पे, उनके बोलने पे, उनका लाइजा किस तरह से वो बोल रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज से आप कैसे अटैच कर सकते हो, और कुछ मल्टीनेशनल लैंग्वेजेस भी हम उनको सिखाते हैं, बिकॉज क्योंकि आप ओवरऑल जब आप वहाँ से जीत के आते हैं तो आप सिर्फ इंडिया के नहीं रह जाते, फिर आप मिसेस वर्ल्ड या मिस इंडिया या मिसेस एशिया पैसिफिक या कुछ भी उस तरह से आपको टाइट टैग दिया जाता है, जो आप एक आइडल कहलाते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एक छोटी से छोटी चीज़ आपकी, चाहे वो आपकी ड्रेस हो, चाहे आपका बोलने का तरीका हो, यहाँ तक कि कभी कभी तो हमें स्माइल की परफेक्शन पे
पे भी ध्यान देना पड़ता है कि नहीं ज़्यादा दांत नहीं निकालने वरना पिक्चर्स में अच्छे नहीं आते कभी, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हमें देखना पड़ता है. इट्स नॉट ईजी. लोग बोलते हैं कि मॉडलिंग बहुत ईजी है, आप आराम से जा सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, बट इट्स नॉट ईजी. हर छोटी छोटी चीज़ हमें देखनी पड़ती है, नाखूनों से लेके आपके बालों के रंग के और आँखों की हर चीज़. तो ये इतनी ईजी नहीं है. मॉडलिंग इज़ अ टफ जॉब और हार्ड वर्किंग. चलिए, और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बताएं कि ये तीन खूबसूरत लेडीज हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हुई हैं. इनसे हम और ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए.